हाय गाइज, अपनी हर बड़ी एक्सक्लूसिव खबरों के लिए ए टू जेड न्यूज लाइव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज लाइव। सबसे पहले पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हाजिर हैं दिन भर की शहर एवं गांव की टॉप खबरों के साथ। देश आज दिन भर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। हर्षमय माहौल में भाई एवं बहन के अटूट प्रेम, विश्वास एवं श्रद्धा का यह प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में, शहर एवं बाजारों में काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। बिहार के विभिन्न जेलों में आज भारी संख्या में बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के लिए जेल में पहुंच गई। जेल के अंदर काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद उन्हें एंट्री दी गई तथा जेल में सजायाफ्ता कैदी एवं इन तमाम बहनों के भाइयों को कलाई में राखी बांधने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हालांकि इस दौरान भाई एवं बहन की आंखें कई बार नम होती दिखी तो कई बार आंखों से आंखों भी छलकते दिखे। बहनों को गम था कि भाई उनका किसी कारण से कारा में बंद है। यह सीन बिहार के गया जिले के है। इसी तरह की स्थिति बाकी जिलों में भी रही। बताया गया कि जेलों में रक्षाबंधन को लेकर के खास तरह के इंतजाम किए गए थे। बाजाब्ता काफ़ी चाक चौबंद एवं जांच पड़ताल के बाद एंट्री दी जा रही थी। आप देख सकते हैं यह तस्वीर। इस तरह से दूर से आई बहनें अपने भाइयों को कलाई में राखी बांध रही थी। गया में एक बार 20 कैदियों की बहनों को एंट्री दी जा रही थी। जल्दीबाजी में राखी बांधकर बहनें निकल रही थी। लगातार मुजफ्फरपुर, गया समेत विभिन्न सुधार गृहों में बहनों की तादाद लगी रही। काराधीक्षक ने बताया कि बंद के अवसर पर कारा के दो सलसबीर बंदी हैं, उनकी जो बहनें आ रही है उनके लिए हम लोगों ने राखी अच्छे से अपने से बांध ली। इसकी जो सुरक्षा के साथ की गई है और हम लोग आज पूरी तरह हम लोग सभी लोग कारा कार्यकर्मी इसमें पूरे मुस्तैदी के साथ खड़े हैं कि कहीं कोई परेशानी ना हो और अच्छे से संपन्न हो सके। हमने एक बहन से भी बात की। भाई को राखी बांधने के लिए क्या कब से हैं यहाँ भाई आपके? कैसा लगता है अंदर भाई बांधने आती हैं? बहुत बुरा लगता है ये सोचकर। बचपन में हम लोग साथ साथ में खेले, बड़े हुए और आज भाई यहाँ है तो बिछड़कर बहुत बुरा लगता है। कैसा तैयारी किस तरह से हम लोग प्रशासन के द्वारा की? व्यवस्था ठीक है सर, जो भी है नियम के अनुसार होना चाहिए, बहुत अच्छा है। क्या नाम है? समस्तीपुर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय महासभा के द्वारा रक्षाबंधन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान तमाम भाइयों को रक्षा के सूत्र बांधे गए तथा रक्षा के बंधन का महत्व समझाया गया तथा उनसे वचन लिया गया। बिहार के गया में विदेशी बौद्ध पर्यटकों की टीम पहुंची। प्रशासनिक व्यवस्था के बीच इन्होंने पूजा अर्चना की तथा भ्रमण किया। जिले के वरीय अधिकारियों के द्वारा इनका स्वागत किया गया। बताया गया है कि बांग्लादेश से बौद्ध पर्यटकों की टीम यहां पहुंची है। ए टू जेड न्यूज लाइव से बातचीत में एक बौद्ध पर्यटक ने बताया कि यू लाइक इट बोध गया। ऑन बिहाफ ऑफ द बुद्धिस्ट ऑफ बांग्लादेश आई एक्सटेंड माय हार्टेस्ट ग्रीटिंग्स टू द बिहार गवर्नमेंट फॉर मेकिंग ऑल द गुड अरेंजमेंट्स फॉर द वीआईपीस एंड द डेलीगेट्स of IBC conference arranged by the tourism ministry government of India। विद्या भारती पटना एवं आसपास के पिछड़े इलाकों में पिछड़े बच्चों के लिए 100 शिक्षण केंद्र खोलेगी। यह निर्णय विद्युत जनों की आयोजित एक बैठक में पटना में लिया गया। मुजफ्फरपुर जिले के औराई नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। आज फिर 2 फीट ऊंची जलस्तर में वृद्धि हुई। विस्थापितों में दहशत का माहौल कायम है।
वैशाली जिले के गुरौल में ट्रैक्टर के धक्के से एक बाइक सवार महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि वह अपने भाई के यहाँ महुआ रक्षाबंधन के लिए जा रही थी, इस दौरान वे हादसे की शिकार हो गई। गुजरात में कृषि मंत्री ने एक मित्र की तबीयत ठीक हो जाने की मन्नत पूरा हो जाने के उपलक्ष्य में विराट पूजा का आयोजन किया, जिसमें तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावे भारी संख्या में उनके समर्थकों ने शिरकत की। मंत्री ने इस पूजा के दौरान विधि विधान के साथ एवं श्रद्धा भक्ति के साथ इस पूजन को संपन्न कराया। ए टू जेड ने उनसे बात की और पूछा कि इस आयोजन के क्या मायने थे। धीरूभाई मकवाणा समाज ने राष्ट्र माते समय प्रमाणे उनकी श्रद्धा प्रकट करता हूँ। उन्हें मित्र की बीमारी समय इन्हें संकल्प करेलो कि हमारा मित्र साझा थी जाए तो सत्यनारायण की कथा करीश। ये निमित्ते आज कथा साथ जीव दया चकली ना मारा वेची ने चकली ने पर रेवा माटे एक सरस मजा घर मळे। वडाप्रधान देश की जनता ने भावी स्थिति में तमाम ने घर मिली रही एनी चिंता करे। ત્યારે ધીરુભાઈ આ વિસ્તારમાં ચકલીઓને રહેણાંક માટે સુરક્ષિત વ્યવસ્થા થાય એની ચિંતા કરે છે। यह थी अब तक की खबरें। ए टू जेड न्यूज लाइव की तरफ से आप तमाम भाइयों एवं बहनों को एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। गांव एवं शहर, देश एवं दुनिया की तमाम एक्सक्लूसिव एवं बड़ी ब्रेकिंग खबरों के लिए आप कभी भी ए टू जेड न्यूज लाइव को फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, गांव से शहर तक की हर बड़ी व एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप अपने पसंदीदा चैनल a2zneuslive.com लाइक शेयर एंड फॉलो करें।